माता मेरी सरस्वती करो हृदय में वास। लाज हमारी राखियो मैं हूँ चरणों का दास। अंत समय अनिरुद्ध को जब काल लगाई चोट, मेरे प्रभु जी तब कर लियो पीतांबर की ओट। बोलिए युगल सरकार भगवान की। सर्वेश्वरी राधा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने इष्ट के चरणों में कुछ पंक्तियों समर्पित करता हुआ, हो मैया हूँ तेरे दर का दीवाना, हो मैया हूँ तेरे दर का दीवाना, मेरी माँ मुझे न तू भुलाना, मेरी माँ मुझे न तू भुलाना। मैया हूँ तेरे दर का दीवाना, हो मैया हूँ तेरे दर का दीवाना, मेरी माँ मुझे न तू भुलाना, मेरी माँ मुझे न तू भुलाना। आज मैं श्रोड़ितपुर के महाराज बाणासुर के बारे में समझाने के लिए जा रहे हैं, किस तरह से भगवान कन्हैया के नाती अनिरुद्ध और प्रद्युम्न के पुत्र
अनिरुद्ध का विवाह किस तरह से ऊषा के साथ में हुआ। तो सभी लोग सुनते चले ही आ रहे हैं कि जो भी राजा और महाराजा हुए उन्होंने किसी न किसी तरह से भगवान भोलेनाथ की आराधना की, तपस्या की। तो ये श्रोणितपुर का जो राजा है जिसका नाम बाणासुर है, इसने एक बार भोले बाबा की तपस्या की। कैसे की? भोले बाबा के ध्यान में मग्न होकर के ये बाणासुर नाच रहा है कि मेरा मन बैरागी हो गया, मेरा मन वैरागी हो गया, कैलाशी के चरणों में ये बाणासुर पहुंच गया घने जंगलों में और भगवान भोले बाबा का ध्यान कर रहा है, नाच रहा है। मेरा मन वैरागी हो गया कैलाशी के चरणों में, मेरा कैलाशी के चरणों में, त्रिपुरारी के चरणों में, कैलाशी के चरणों में, त्रिपुरारी के चरणों में, मेरा मन वैरागी हो गया कैलाशी के चरणों में। और क्या कह रहा है? मैं ढूंढत ढूंढत हारो ना शिव को दर्शन पायो, मैं ढूंढत ढूंढत हारो ना शिव को दर्शन पायो, दीवाना हो गया, मैं ऐसा दीवाना हो गया कैलाशी के चरणों में, ध्यान रखना मेरे भैया। भक्ति से ध्यान लगायो फिर शिव को दर्शन पायो, भक्ति से ध्यान लगायो फिर शिव को दर्शन पायो, मेरा जीवन मेरा जीवन मेरा जीवन सार्थक हो गया कैलाशी के चरणों में, मेरा जीवन सार्थक हो गया कैलाशी के चरणों में, मेरा मन वैरागी हो गया कैलाशी के चरणों में, मेरा मन वैरागी हो गया, इस तरह से। जिस समय उस बाणासुर ने भगवान भोले बाबा का ध्यान किया, भोले बाबा उसके सामने प्रकट हो गए, कहने लगे कि बाणासुर तूने मेरी तपस्या की है, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, क्या मांगना चाहते हो पुत्र? इस तरह से जब अपने सामने देखा है बाणासुर ने भगवान भोले बाबा को, और ध्यान रखना मेरे भाई बहन, देख नहीं सकती हर रत्न को इंसान की आंखें, और दिखाई ब्रह्म क्या देगा जब तक न हो ज्ञान की आंखें। हमारे पास जब तक ज्ञान की आंखें नहीं है, हमारे अंदर वो हृदय नहीं है जो परमात्मा की हम तपस्या न कर सके,
तब तक वो परमात्मा प्रसन्न होने वाला नहीं। और मैं आपकी रोज की बात करता हूँ, दृष्टांत की बात करता हूँ। जब तक हम फसल के लिए बीज नहीं बोते हैं, तब तक ये फसल हमें तैयार नहीं मिलती है। और भक्ति बीज का जब हम रोपण नहीं करेंगे, तब तक ये भगवान की भक्ति भी हमें प्राप्त नहीं होगी। जब भोले बाबा प्रसन्न हुए, सामने आए, बाणासुर से ये कहा कि बाणासुर मांग लो कुछ वरदान, तो बाणासुर ने कहा, प्रथम जो भी मैं आपसे बात कहना चाहूँगा भोले बाबा, सबसे पहले मेरी ये बात है कि मेरे ऊपर दया रखो, नगरी और सेना के अधिनायक हो तुम, और हमें सहस्त्र भुजाएं दे दो। मेरे बल को अच्छे कर दो, मेरी जात देह अमर कर दो, हे महामहिम हे अखिलेश्वर सेवक को लोकेश्वर कर दो। अगर देना चाहते हो वरदान भोले बाबा तो सुनो, हे महामहिम हे अखिलेश्वर सेवक को लोकेश्वर कर दो। साफ शब्दों में ये कह दिया है बाणासुर ने कि प्रभु आप देना चाहते हो तो हमें ऐसी शक्ति दो जो हमारे सामने कोई वीर योद्धा टिक न पाए। भोले बाबा ने कह दिया कि जाओ, तुम्हारे मन की इच्छा पूरी होगी, और वहाँ से चले गए। भोले बाबा के वहाँ से चले जाने के बाद इसने भोले बाबा की दी हुई शक्ति का दुरुपयोग किया, मेरे भाई बहन। और जब हम किसी वस्तु का दुरुपयोग करते हैं तो उसका सामना बहुत ही कठिन तरीके से हमें किसी गतिरोध रीत से निभाना पड़ता है। जब बाणासुर ने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, चारों तरफ उसने शेरों को मारने लगा है, उनके दांत को उखाड़ करके फेंक देता है, और मस्तिष्क हाथियों के फूटने लगा। और जब इसकी शक्ति का कोई सामने लड़ने वाला नहीं रहा, तो ये कैलाश पर्वत के सामने पहुंच गया भोले बाबा के पास में, और कहा कि हे भोले बाबा, आ जाओ नीचे उतर के, तुमने हमें शक्ति दी है, मेरे शरीर के अंदर शक्ति है। या तो बतलाओ वीर कोई, या तुम्हें हमारो काम करो, और तुमने ही बल दे डालो है तो हमसे आए संग्राम करो। तुमने ही बल दे डालो है तो हमसे आए संग्राम। हे भोले बाबा, आपने हमें शक्ति दी है, मेरे शरीर में शक्ति है, मैंने न जाने कितने पर्वतों को घिस दिया, न जाने कितने वीरों को पछाड़ दिया, शेरों के दांत उखाड़ करके फेंक दिया, हाथियों के मस्तक फोड़ दिए, लेकिन कितने ही पर्वत पीस दिए, लेकिन संतोष न आता है, बेकारियों ने के कारण भारी पन बढ़ता जाता है। जब ये कहा कि भोलेनाथ आपकी शक्ति से मैं बलवान हूँ, और मेरे सामने अब कोई लड़ने के लिए नहीं आता है, इसलिए मेरे बाहों की जो बुझाओं की शक्ति है, इसमें खुजली पड़ रही है, भारीपन बढ़ रहा है, आ जाओ तो मैं नीचे उतर के आ जाओ। भोले बाबा ने कहा कि मूर्ख, तू अपनी ताकत के अभिमान में, उस ताकत के गरूर में इतना भूल गया है कि जिसने तुझे शक्ति दी है उसी के ऊपर तू आघात करने के लिए आ गया बाणासुर। लेकिन ध्यान रखना, मैं अगर चाहूँ तो तेल भर में तुझे समेट सकता हूँ, तेरी सारी शक्ति को मैं छीन कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने जिसे बढ़ाया है
उसे नीचा न दिखाऊं। और कहा भगवान भोले बाबा ने, हे बाणासुर अभिमान न कर और सीमा से बढ़ के बात न कर। बाणासुर, ये तुम्हारा बड़प्पन नहीं है, अरे ये तेरी कैसी नीति है, जिसने तुझे बढ़ाया उसी के सामने आ रहा है लड़ने के लिए। हे बाणासुर अभिमान न कर, सीमा से बढ़ के बात न कर। जिसकी शक्ति से बड़ा पापी, जिसकी शक्ति से बड़ा पापी, उस पर जैसे आघात न कर। भोले बाबा ने कह दिया कि बाणासुर, मैं तुम्हें नीचा दिखाना नहीं चाहता हूँ, मैं अगर चाहूँ तो तुझे भस्म कर सकता हूँ, चला जा यहाँ से। और एक झंडी दी है भोले बाबा ने कि बाणासुर, ले जा करके तू अपने इस महल को इस झंडी से सजा देना, ये झंडी अपने महल के ऊपर लगा देना, और जिस समय ये झंडी झुक जाए तो समझ लेना कि तेरे सामने योद्धा कोई आ रहा है लड़ने के लिए। बाणासुर मेरे भाई बहन वहां से चल दिया है अपनी राजधानी सरोड़ितपुर के लिए चला गया। सरोड़ितपुर पहुंचने के बाद में बाणासुर ने वो झंडी अपने राज महल के ऊपर लगा दी, नित्य प्रति उस झंडी को देख रहा है। लेकिन लिखा है कवियों ने, इस बाणासुर के घर में एक बेटी भी है जिसका नाम उषा है। उसकी सुंदरता किस तरह से लिखी, उस बेटी की नीरज चंद्र छटा और चंद्र को चकित कर जाती थी। वैसे घर को कितना भी सजा लो, कितने भी अच्छी अच्छी उसमें तस्वीरें लगा दो, लेकिन एक बेटी के बिना घर सूना होता है, अच्छा नहीं लगता मेरे भैया। उस बेटी की नीरज चंद्र छटा, चंद्र को चकित करी जाती थी। उस मुख की सुंदर सी शोभा, देवों का मान घटाती थी। इस तरह से उस बेटी है जो उषा घर में बाणासुर के, अपनी फूल सी बेटी को एक दिन ले जा करके बाणासुर ने पार्वती मैया के सामने खड़ा कर दिया कि हे मैया, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी उषा संगीत की शिक्षा अध्ययन करे। और ध्यान रखना मेरे भाई बहन, जीवन के लिए, जीवन के संस्कार के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए शिक्षा और संस्कार बहुत जरूरी है। वही काम किया बाणासुर ने, अपनी बेटी को ले जा करके पार्वती मैया के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन किया है कि माँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी आपके द्वारा संगीत की शिक्षा ग्रहण करे। पार्वती मैया ने कह दिया कि बाणासुर, चिंता मत करो, तुम इस उषा बेटी को हमारे पास छोड़ करके अपनी राजधानी लौट जाओ, मैं इसे अपनी बेटी के समान शिक्षा संगीत की ग्रहण कराऊंगी। बाणासुर अपनी बेटी उषा को छोड़ करके मैया पार्वती के पास में कैलाश पर्वत पर अपनी राजधानी लौट गया। हुआ क्या, उषा बेटी मैया पार्वती के साथ में रह करके संगीत की शिक्षा अध्ययन कर रही है। लेकिन हुआ क्या, एक दिन पार्वती मैया के पास में बैठी हुई उषा बातचीत कर रही थी। शाम का समय हुआ, सो गए हैं दोनों, लेकिन सुबह जब जागी हैं उषा, तो उषा ने देखा नहीं
पार्वती जो पास में लेटी थी वो है नहीं, पार्वती को खोजती हुई उषा जब पर्वत के पीछे पहुंची हैं तो गौरा और भोले बाबा को साथ में बैठे हुए देखा। पार्वती मैया किस तरह से हास्य विलास कर रही हैं भोले बाबा के साथ में। शिव का साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, इन भोला की लगन में हमें आना पड़ा है दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ा है दुनिया में दोबारा। प्यार के एक एक पल में है सौ जीवन कुर्बान, सौ जीवन कुर्बान। प्यार कभी मरता नहीं, मरते ही इंसान, मरते ही इंसान। जीना जीना है जो शिव के साथ गुजारा, हमें आना पड़ा है दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ा है दुनिया में दोबारा। इस तरह से हास्य विनोद कर रही हैं भोले बाबा के साथ में बैठ करके पार्वती मैया। लेकिन जिस समय उषा ने देखा है मैया पार्वती और भोले बाबा को, तो उनके मन में विचार आने लगे कि हे भगवान, कितनी अच्छी तरह से भोले बाबा और पार्वती मैया बैठ करके आपस में हास्य विनोद कर रहे हैं। अगर मेरी भी शादी होती तो हम भी अपने पति को इस तरह से गले से लगाती, और क्या सोच रही। गोरायो रुसीब को देखी देखी उषा को हृदय उमड़िया, गौरा खड़ी हुई देख रही हैं। मैया पार्वती और भोले बाबा आपस में जो बैठ करके हंसी और मजाक कर रहे हैं, उसको देख करके बहुत ही विचार आ रहे हैं उषा के मन में। कछुयो बन रंग गयो मड़े आयो, कछुयो बन रंग गयो मड़े आयो, कछु भाव काम को चढ़ी आयो। और क्या सोचा उषा ने।
इसी तरह से प्रीतम को तो इसी तरह से प्रीतम को मैं भी तो गले से लपटाती जब ये कहा सोचा है उषा ने उषा के हृदय की भावना समझ गए भोले बाबा ने कहा कि डराओ सच बताना उषा तुम्हारे हृदय के अंदर क्या विचार है। उषा ने कुछ नहीं कहा कि भगवान कुछ नहीं। जब ये विचार समझ गए भोले बाबा लिखा भी है भोले बाबा से क्या छुपा। उषा के मन की समझ गए बोले एक सुरुचि राती होगी सुरुचि राती होगी जिसमें उषा तेरे पति से सपने में मुलाकात होगी। भोले बाबा ने ये वरदान दिया कि उषा चिंता मत करो जो तुम मन में विचार कर रही हो अपने प्रियतम को तुम रात में स्वप्न में सोते समय निहारोगी और ये मेरा आशीर्वाद है तुम उसे तलाश कराओगी तुम्हारा वैभव उसके साथ में होगा सुख पूर्वक तुम्हारा जीवन आनंदमय बीतेगा ये मेरा आशीर्वाद है। पार्वती मैया ने ये खबर भेजी है बाणासुर के पास कि तुम्हारी बेटी उषा की संगीत की शिक्षा पूर्ण हो गई है तुम अपनी बेटी को ले जा सकते हो। उषा को बाणासुर लेने के लिए कैलाश पर्वत पर आया है और वहां से ले जा करके उसने अपने महल में छोड़ दी है श्रोड़ितपुर में। हुआ क्या जब महल में सोने के लिए जा रही है एक दिन उषा आपस में सखियों के साथ में हेल विचार कर रही है और उषा जब सखियों ने उसका श्रृंगार किया तो जब सोने के लिए सेज पर पहुंची है और सेज पर जाते ही जाते उसे निद्रा ने घेर लिया। हुआ क्या अरे सोते सोते ये कदम बिलख परी वो पाल सोते सोते एकदम बिलख परी वे पालो रे रामा होरु रही नहीं पहली खुशी रो न पहलो हालो रे रामा उषा जिस समय सो रही है उसने स्वप्न में देखा है एक बहुत ही सुंदर पुरुष को लेकिन जाग गई और जाग करके सोचने लगी उषा कि तुम कहां चले गई अभी मेरे पास थे किस तरफ गया क्यों चला गया दासी से क्या अपराध बना
किस तरफ गया क्यों चला गया दासी से क्या ये पूरा धुना चित चोर तनिक समझाई जाइए प्रेमी बने फिर क्यों ब्याज बना लेकिन मेरे दिमाग की बात कहे राम कुमार खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे भी मिलते हैं जिनसे कभी न टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। चित चोर तनिक फिर से आइयो मैं फिर से सोई जाती हूँ पुकार रही है बार बार उषा के हे स्वप्न के राजकुमार तुम कहाँ चले गई फिर से आओ मेरे पास। अगर मैं जाग गई हूँ तो मैं सोने का प्रयत्न कर रही हूँ दोबारा से सोऊंगी लेकिन तुम मेरे पास आ जाओ। और ध्यान रखना भक्तों भोजन ना है खीर जैसा भोजन ना है खीर जैसा बीमार ना हो पति जैसा प्रेम नहा प्रीतम जैसा प्रेम नहीं व्यभिचार ना हो तो पत्नी जैसी चाह नहीं बदनार ना हो तो पत्नी जैसी चाह नहीं बदनार ना हो तो अगर पत्नी पतिव्रता है इतना प्रेम करती है कि लोग मरना भूल जाते रुपया जैसा प्रेम का केपी भैया जैसा प्रेम का तकरार ना हो तो जुआ के जैसा खेल नहीं ध्यान रखना मेरे भैया। इस तरह से स्वप्न की बात उषा को सुला रही है। सोती रही जिस समय उषा उस दिन दिन बहुत चढ़ गया लेकिन नहीं जगी जब तो उसकी सखियां पहुंच गई उषा के पास जगा रही हैं। सखियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं कि आज उषा इतनी देर तक क्यों सोती रही।
लेकिन एक सखी चित्ररेखा जिसका नाम है वो उषा के पास पहुंच करके उसे जगाने का प्रयत्न कर रही है। जैसे ही स्पर्श किया उषा का, उषा एकदम जाग पड़ी। स्पर्श सखी का पाते ही, स्पर्श सखी का पाते ही मानो दिल का गम निकल गया। सहसा आंखें खुलते खुलते मोह से हाय प्रीतम निकल गया। सहसा आंखें खुलते खुलते मोह से हाय प्रीतम निकल गया। जैसे ही चित्र रेखा ने स्पर्श किया उषा के, इस स्पर्श सखी का पाते ही मानो दिल का दम निकल गया। सहसा आंखें खुलते खुलते मोह से हाय प्रियतम निकल गया। और क्या हुआ, जैसे मुख से निकला है हाय प्रियतम, चित्ररेखा कहने लगी उषा में जान गई तेरे हृदय की भावना में समझ रही हूँ। जब मैंने तुझे जगाया तो तेरे मुख से क्या निकला इससे पता चलता है तू कैसा स्वप्न देख रही थी। लेकिन उषा मन ही नहीं है, समझा रही है चिंता मत कर बहन, ये समय सभी के साथ में आता है, सभी के पास आता है। काहे को मन नहीं ना ओ मेरी उषा, काहे को मन नहीं ना, पुष्प सो चेहरा क्यों मुरझाया, सो चेहरा काय मुरझायो, काय मुरझायो, चेहरा होए गौ मलीन ओ मेरी बहना, काहे को मन हीन। जब इस तरह से चित्ररेखा ने समझाया है कि उषा मैंने जब तुम्हें जगाया तो तुम्हारे मुख से हाय प्रियतम शब्द निकला, और मैं जान सकती हूँ कि ये प्रियतम का शब्द इसलिए निकला है कि तुम कोई ऐसी कहानी देख रही थी। क्या हुआ सच बताना, उषा कहने लगी कुछ नहीं बहन। चित्ररेखा कहने लगी कि उषा इस तरीके से अगर तुम अपने स्वप्न को छिपाना चाहोगी लेकिन हाथ में कुछ नहीं आने वाला है, इसलिए मेरी बात मानो, हमें तो बता दो कम से कम मैं आपकी सहेली हूँ। और कहा है चित्ररेखा ने उषा, कठिन बड़ी राह प्रेम ने गाए, कठिन बड़ी राह कठिन बड़ी राह प्रेम ने गाए, कठिन बड़ी राह प्रेम ने गाए, ये प्रेम का रास्ता उषा ऐसा है कि लोग इसे देखना पसंद नहीं करते। दुनिया वाले ये प्रेम के दुश्मन होते हैं, लेकिन भगवान
प्रेम के वो चाहने वाले होते हैं। देख देख के सब झुझलावे सब झुझलावे, देखे क्रोध दिखावे कठिन बड़ी राहे, प्रेम निगाहे कठिन बड़ी राहे। और कहा चूसा प्रेमी लोग इसी प्रण तजिया करते हैं, प्रेम के नाम पे वो जान दिया करते हैं। मत पूछो वो काम क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, काम क्या करते हैं। हृदय को चीर के टाकों से सिया करते हैं, प्रेमी लोग इसी तड़प दिया करते हैं। और क्या कहा, जब चित्र रेखा ने उषा को समझाया है कि उषा तुम अपने हृदय की बात हमें बताओ, मन की सुन ले जल्दी से तू मेरी बहना, हाल सब बोल दूंगी। मन की सुन ले, मन की सुन ले जल्दी से तू मेरी बहना, हाल सब बोल दूंगी। का घटना घटी गई सपने में, सुनो मेरी बहना भेद सब खोल दूंगी। इस तरह से जिस समय चित्ररेखा ने समझाया है उषा को, तो उषा के हृदय की बात बाहर आई निकल करके, और उषा ने कहा कि नहीं मान रही हो बहन तो हम तुम्हें बताएंगे। आज सपने जब हम सोए तो मेरी सैया पर एक बहुत ही सुंदर राजकुमार आया, और वो तस्वीर मेरे चेहरा के सामने से मेरी आंखों से उझल नहीं हो रही है। अरे रे बो सुंदर सी सूरती आयो दीदी न मन से जाई रही, अरे रे वो बहन। आज जिस समय मैंने राजकुमार को देखा है तो वो सुंदर शोभा मेरे हृदय से नहीं निकल रही। और क्या बोली, ओ दीदी पता लगाई ओ रे, ओ दीदी पता लगाई ओ रे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी।
इस तरीके से जब कहा है उषा ने कि चित्र रेखा मैं किस तरह से बताऊं, किस तरह से मैं तुम्हें बखान करूं कि वो सुंदर राजकुमार मैंने स्वप्न में देखा है वो कैसा है। चित्र रेखा ने कहा कि चिंता मत करो बहन, माँ दुर्गा की कृपा से मैं सभी राजा और महाराजाओं के चित्र बनाना जानती हूँ। मैं चित्र बनाऊंगी और तुम पहचान करना और बता देना हमें कि कौन सी तस्वीर, कौन सा राजा तुमने स्वप्न में देखा है, कौन सा राजकुमार तुमने स्वप्न में देखा। चित्र रेखा मेरे भैया चित्र बनाने लगी है, उषा चित्रों को देख रही है। अरे लिखी लिखी चित्र जाति सुता वो एक एक करके दिखलावे और हुई गमगीन रही मन ही मन पिया नजर में नहीं आवे तो छप्पन करोड़ यादवा लिख दे कृष्ण चंद की छवि आई और हरसानी मन ही मन में प्रद्युम्न की फोटो आई। अरे नीरज शास्त्री सरल सतगुरु की तरह से जिस समय चित्र रेखा चित्र बनाने लगी है और उषा देखती जा रही है राजा महाराजाओं के चित्र बनाए, लेकिन उषा मना कर रही है कि सहेली ये नहीं। बाद में जिस समय अनिरुद्ध का चित्र बनाया है चित्र रेखा ने अनिरुद्ध की तस्वीर ददा बनाई। चित्त
खाली अनिरुद्ध की तस्वीर ददा बनाई। उषा बिटिया को दादा बेहोशी फौरन आई। महाराज हाथ से फोटो लई छिनाई, लेके फोटो सारे हृदय से लई लगाई। जाकी भोली सुरतिया आय रेखा मेरे मन में बस गई है। जाकी भोली सुरतिया आय रेखा मेरे मन में बस गई है। इस तरह से जिस समय भगवान कन्हैया के नाती अनिरुद्ध की तस्वीर बनाई, मेरे भैया उषा ने वो तस्वीर छीन करके अपने हृदय से लगा ली और कहा, बहन किसी भी तरह से इस राजकुमार से हमें मिला दो। चित्ररेखा ने कहा है कि उषा ये भगवान कन्हैया के नाती हैं और इनको उठाने के लिए हमें जाना पड़ेगा द्वारिका। मैं भेष बदलना जानती हूँ, मैं जब तक इनको लेकर के ना आई तुम यहीं पर हमारा इंतजार करो। उषा जा रही है चील का भेष बनाया द्वारिका के लिए। द्वारिका के लिए जब पहुंची है, लेकिन रास्ते में जाते समय, द्वारिका में प्रवेश करते समय चित्ररेखा को एक जो भगवान कन्हैया का चक्र है वो पहरा दे रहा है द्वारिका के ऊपर। जैसे ही अंदर प्रवेश करना चाहती है चित्ररेखा, उस चक्र ने रोक दिया। तब तक देवऋषि नारद आए और देवऋषि नारद ने ये कहा कि हे चित्ररेखा, क्या कर रही हो? अगर तुम अंदर जाओगी तो ये चक्र तुम्हारा कत्ल कर देगा। चित्ररेखा ने सारी कथा बताई है देवऋषि नारद से कि मुझे द्वारिका में जाकर के उषा के लिए अनिरुद्ध को लेना बहुत जरूरी है। तो देवऋषि नारद ने बताया है कि तुम ऐसा करो, महात्मा का भेष धारण करके अंदर जा सकती हो। क्यों? क्योंकि भगवान कन्हैया का जो चक्र है महात्मा के ऊपर हमला नहीं करता। महात्मा का भेष धारण करने के बाद चित्ररेखा ने सोते समय अनिरुद्ध को उठा करके श्रोड़ितपुर में रख दिया और ये कहा कि उषा मैं जा रही हूँ, ये तुम्हारे पति को मैं लेकर के आई हूँ, तो मैंने जगा लो। उषा जगाना चाहती है अपने प्रियतम को। कैसे जगा रही है? प्रियतम नाए जागे रहन गई, प्रीतम नाए जागे रहन गई। सारंग लेकर के बजा रही है अनिरुद्ध के पास बैठ करके और क्या कह रही है, सोच रही है। पिया को मैं जगाऊं कैसे, हो पिया को मैं जगाऊं कैसे, ना मेरे सर पे चुनरिया। पिया को मैं जगाऊं कैसे, जाने कैसी आदत के होंगे मेरे प्रियतम, कभी नहीं मिली हूँ इनसे मैं। और ध्यान रखना मेरे भैया,
ये प्रेम की दिवाली हर इंसान के जीवन में एक बार जलती है, जली होगी और जलेगी। ऐसा न हो पिया क्रोध दिखा दे, हाँ ऐसा न हो पिया क्रोध दिखा दे, कहानी बताऊं कैसे, हाँ कहानी बताऊं कैसे, ना मेरे सर पे चुनरिया पिया को मैं जगाऊं कैसे। इस तरीके से उषा अनिरुद्ध के पास में बैठ करके उन्हें जगाने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन जैसे ही अनिरुद्ध की आँख खुली एकदम चौंक गई। कौन हो तुम और यहाँ हम कैसे आ गए? सारी कहानी बताई है उषा ने अनिरुद्ध को कि मैंने आपको स्वप्न में देखा और भोले बाबा ने ये हमें वरदान दिया था कि आप जिस पुरुष को स्वप्न में देखेंगी उसे तुम बुलवा करके उससे तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ, आप हमारे साथ में शादी कर लो। इस समय निवेदन करने के बाद में अनिरुद्ध उषा के साथ में रहने लगे हैं, लेकिन ये भेद बहुत दिन तक नहीं चलने पाया। एक दिन उषा की माँ ने उन्हें बुलाया है, लेकिन उषा पहुंची है अपने माँ के पास में श्रृंगार जो किए थी। उस श्रृंगार जब माँ ने देखा है तो माँ ने कहा कि बेटी ये क्या हालत है, ये श्रृंगार वो औरतें करती हैं जिनकी शादी हो जाती है, लेकिन तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें ये श्रृंगार शोभा नहीं देता। उषा ने कहा कि माँ इसमें मेरी गलती नहीं है, जब मैं सो जाती हूँ तो न जाने मेरे साथ की सहेली मेरे साथ में क्या करती है, उन्होंने ये श्रृंगार किया है। लेकिन उषा की माँ समझ गई और उसने जब पता लगाया है तो वास्तविक उषा के महलों में कोई चोर छिपा है, और अपने पति बाणासुर को ये खबर पहुंचाई। बाणासुर भाजा है तलवार लेकर के, लेकिन उषा और अनिरुद्ध दोनों सो रहे हैं। कहा है उषा ने, मेरे बबुल प्राण हरया है, ना जान कौन से पापी नज भीतर को भेद बताओ है, ध्यान रखना मेरे भैया। बोले अनिरुद्ध शांत बैठो होगा वो देखा जाएगा, अनिरुद्ध मोम की मूरत ना जो धूप देख पिघलाएगा, रखना मेरे भैया। जिस समय आया है बाणासुर नंगी तलवार लेकर के, उषा अनिरुद्ध दोनों सो रहे। इसमें एक बात और भी है, उषा ने बहुत छिपाऊ करो, उषा ने बहुत छिपाओ करो, पर छुपो न भेद छुपाने से, ये प्रेम बुरी बीमारी है, ये प्रेम बुरी बीमारी है, दबती है नहीं दवाने से, और मानुष के कर्म कुकर्मों का आखिर कब तक भी गुमान न हो, सुनील बहुत यह संभव है,
सुनी लिए बहुत असंभव है, लग जाए आग पर धुआं हो। समय सोते हुए देखा है बाणासुर ने अपने घर में अनिरुद्ध को और उषा को, विचार बदल गया कि मैं नहीं मारूंगा वो सोते हुए को। मैं समझा था घर को वेदी, कोई घर कोई क्रूर कमीना है, मेरी बिटिया अगर अंगूठी है, मेरी बिटिया अगर अंगूठी है, संग में पड़ो नगीना है, बिटिया अगर जिस समय ये सोच लिया है बाणासुर ने कि मैं अपनी बेटी उषा का विवाह इसी से करूंगा, लेकिन लोक और मर्यादा के कारण इसका बल भी अजमाऊंगा, इससे युद्ध करूंगा, जब ये जाग जाए सरदारों से कहा तू हमको सूचना दे देना। बाणासुर वापस चला गया और कुछ देर बाद सिपाहियों ने उसे ये सूचना दी है कि अनिरुद्ध जाग गए हैं, आया है बाणासुर भाग करके और युद्ध हुआ। लेकिन जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा है बाणासुर ने अनिरुद्ध को कैद कर लिया, लेकिन उषा पहुंच गई है अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए। उषा ने चिल्ला करके कहा है कि हे पिता, भगवान भोले बाबा ने हमें वरदान दिया है, उसी वरदान के आधार पर मैंने इनको पाया है, आप इन्हें छोड़ दीजिए, और अगर बात यह है कि मैंने इन्हें चोरी से बुलाया है तो तुमने अभी तक मेरी शादी क्यों नहीं की। बाणासुर क्रोध में आ गया, कहा कि सरदारों इसे भी अनिरुद्ध के साथ में कैद कर दो। अनिरुद्ध के साथ में जब कैद कर दिया है, इधर देवर्षि नारद ने जाकर के बताया है भगवान कन्हैया को, भगवान कन्हैया वहां से सेना को लेकर के आए हैं श्रोणितपुर में और युद्ध हुआ। भगवान कन्हैया ने भोले बाबा को बेहोश कर दिया है और बाणासुर की सारी भुजाएं काट करके सिर्फ दो भुजाएं रखी, और जब बाणासुर की भुजाएं काट दी हाथ जोड़ करके पैरों पर पड़ गया। अब इतनी और दया कर दो, यह अंतिम टेक हमारी है, अनिरुद्ध कुमार के नाते से अब उषा बहू तुम्हारी है, इस तरह से विदाई समारोह हुआ है और दुल्हन बनकर के उषा जिस समय अनिरुद्ध के साथ में जा रही है, ध्यान रखना मेरे भैया, बहुत ही खुश है, सोच रही है मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैं तुमको मनाऊंगी बन के दुल्हनिया सैया की ससुराल जाऊंगी, बन के दुल्हनिया सैया की ससुराल जाऊंगी, सोच रही है मैं अपने प्रियतम की बहुत सेवा करूंगी। अपने पिया को लाड़ लड़ाऊं, अपने पिया को लाड़ लड़ाऊं, धीरे धीरे चरण दबाऊं, रूठे या
लोगे दुल्हनिया सैया की ससुराल जाऊंगी। हाँ बनके दुल्हनिया सैया की मीरा भी नाचती थी गुनगुनाते हुए क्या जमुना किनारे कुटिया बनाऊं, जमुना किनारे कुटिया बनाऊं, राधे राधे निसत निगाऊं, जमुना किनारे कुटिया बनाऊं, राधे राधे निसत निगाऊं। बनके दुल्हनिया काना की ससुराल आऊंगी, बनके जुगनिया काना की वृंदावन जाऊंगी। बांके बिहारी स्नेह लगाऊं, बांके बिहारी से नेह लगाऊं, सांवरिया को मनो में बसाऊं, राहों में आवे मेरो पिया, राहों में आवे मेरो पिया, में पलके बिछाऊंगी। बनके जुगनिया काना की वृंदावन जाऊंगी, बनके जुगनिया काना।